हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ गाइस कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद के बारे में काफ़ी कुछ जाना था गाइस, उस वीडियो में हमने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद का पूरा कैंपस, हॉस्टल्स, ये सब के बारे में पूरा अच्छे से जाना था। हमने पूरा टूर किया था एंड वहाँ आप लोग में जा कर हर एक चीज़ दिखाया था। तो गाइस, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लें। और गाइस, उसी वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे हॉस्टल के रिगार्डिंग गाइस, जैसे में क्या हॉस्टल सबको मिलता है, ठीक है, क्या हॉस्टल में मेस है, हॉस्टल किसे मिलता और किसे नहीं मिलता है, क्या हॉस्टल में गर्ल्स लोग के लिए भी है, ठीक है, बहुत सारे ऐसा मतलब था गाइस, ठीक है, एडमिशन के कितने दिन बाद हॉस्टल मिल जाता है, इस बहुत सारे वहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने पूछा था गाइस। तो मैंने गाइस सोचा कि आज इस टॉपिक्स पे काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके वीडियो को बना दूँ गाइस। तो चलिए गाइस, इसी पर हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं गाइस। तो आप जीपी धनबाद और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झारखंड से रिलेटेड जो भी चीज़ जानना हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर। तो चलिए गाइस, हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, क्या हॉस्टल सबको मिलता है या नहीं। तो गाइस, इसका सीधा जवाब है ना, हॉस्टल सबको नहीं मिलता है गाइस। तो गाइस, हॉस्टल किसे नहीं मिलता है, इस टॉपिक हम लोग बात करेंगे। तो हॉस्टल जो गाइस धनबाद डिस्ट्रिक्ट के हैं उन्हें नहीं मिलता है गाइस। मैं साफा बता दूँ, जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट के हैं उन्हें हॉस्टल नहीं मिलता है। तो गाइस, हॉस्टल किसे मिलता है गाइस, धनबाद के अलावा अदर जो भी डिस्ट्रिक्ट है गाइस उनको हॉस्टल जरूर मिलता है। लेकिन गाइस, हॉस्टल में मिलने में एक चीज़ देखा जाता है गाइस कि आपका दूरी कितना है गाइस। जिसका ज़्यादा दूरी होता है उसी को हॉस्टल मिलता है गाइस, जिसका घर ज़्यादा दूर दूर पर होता है उसी को हॉस्टल मिलता है। दूसरा बात करते हैं कि एडमिशन के कितने दिन बाद हॉस्टल मिलता है। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, एडमिशन जैसे आपका होगा उसके गाइस आपको मतलब जब आपको यहाँ पे कॉलेज खुल जाएगा गाइस, तो कॉलेज खुलने से शायद पहले ही आपको हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए फॉर्म आता है गाइस। तो आप हमेशा अपडेट रहिएगा गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप जीपी धनबाद में आना चाहते हैं तो गाइस। क्योंकि जैसे ही गाइस आपको हॉस्टल अलॉटमेंट का फॉर्म निकलेगा तो आपको तो बहुत गाइस नहीं मालूम होगा, क्योंकि आप उसमें यहाँ पे आए भी नहीं होंगे, आप एडमिशन ले लिए होंगे उस टाइम आप घर होंगे। मेरे साथ भी यही हुआ था गाइस, जब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे गाइस तो उसमें हॉस्टल का अलॉटमेंट का फॉर्म निकला था, मैं नहीं भर पाया था गाइस, जिसमें मेरा फर्स्ट अलॉटमेंट में हॉस्टल नहीं हो पाया था। तो मुझे काफ़ी दिक्कत हुआ था गाइस, कुछ दिन मुझे बाहर रूम लेकर रहना पड़ा था। तो गाइस, ये आपके साथ दिक्कत ना हो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मतलब गाइस आएगा हॉस्टल अलॉटमेंट का मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है। तो गाइस, कितने दिन के बाद मिलता है तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे एडमिशन के बाद आपका हॉस्टल अलॉटमेंट का फॉर्म आता है, वो भरना होगा आपको, वहाँ पे एप्लीकेशन देना होगा कि आप क्यों हॉस्टल लेना चाहते हैं, आपका घर कितना दूर है, आप पूरा मतलब भर के उनका देना होगा गाइस। उसके कुछ दिनों बाद गाइस, जैसे मैं मतलब 15 दिन 20 दिन महीना दिन मतलब वो टाइम लगता है, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, कभी जल्दी निकाल देता है कभी लेट निकालता है, तो उसके अकॉर्डिंग गाइस। और उसमें भी गाइस अगर आपका नहीं होता तो उसमें आप हम लोग गाइस पूरा आप लोग का हेल्प करेंगे गाइस कि जल्दी से जल्दी आप लोग का कॉलेज हॉस्टल अलॉट हो जाएगा गाइस, ठीक है। उसमें हम लोग सीनियर्स लोग का काफ़ी आपका उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है गाइस, ठीक है। तो वहाँ पे तो गाइस हो गया कि कितने दिन बाद मिलता है, तो लगभग एक महीना लग ही जाता है गाइस। और गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या हॉस्टल में मेस है या नहीं गाइस। तो गाइस, मेस हॉस्टल में है, चूँकि जब हॉस्टल है और मेस ना रहे तो फिर क्या फ़ायदा होगा गाइस, ठीक है। तो हॉस्टल में गाइस मेस तो है, बट मेस का चार्जेस क्या है गाइस, बता दे रहा हूँ। हॉस्टल का जो चार्जेस है गाइस, पहले लगता था गाइस 1600 रुपया, लेकिन फिर बढ़ गया था गाइस 1900 रुपया, और मतलब गाइस फाइनली आपको बोले तो 2000 में आपका हॉस्टल मेस चार्ज अच्छा हो जाएगा गाइस। खाने का मेन्यू भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि क्या हॉस्टल का चार्ज भी लगता है। तो जी हाँ गाइस, हॉस्टल का चार्ज लगता है, बट गाइस वो काफ़ी मिनिमम होता है गाइस, पूरे एक ही बार एक पूरे ईयर का लगता है, जो कि होता है 257 रुपये गाइस। आपको एक ही बार गाइस 257 रुपया पे करना होगा पूरे साल भर का। अब नेक्स्ट गाइस बात करते हैं कि क्या गर्ल्स हॉस्टल भी है। तो गाइस, मैं आपको सीधा सीधे बता दूँ, गर्ल्स हॉस्टल भी यहाँ पे है, बट गाइस मैं जब से यहाँ हूँ और मैं काफ़ी मतलब अपने सीनियर्स, अपने सुपर सीनियर्स से मैंने बात किया कि क्या सर गर्ल्स लोग को भी हॉस्टल मिलता है या नहीं, तो मैंने वहाँ पे मैंने देखा गाइस, मैंने नोट्स किया, उन्हें जो मुझे जो जानकारी मिला मैं आपको बता रहा हूँ, गर्ल्स लोग का हॉस्टल तो है गाइस बट उन्हें हॉस्टल मिलता नहीं है गाइस। चूँकि गाइस गर्ल्स लोग बहुत कम लोग गर्ल्स होते हैं गाइस, गर्ल्स लोग तो काफ़ी कम ही यहाँ पे, मतलब बॉयज़ के रेशियो में गर्ल्स काफ़ी कम लोग रहते हैं गाइस, ठीक है। लेकिन बहुत सारे गर्ल्स जो होते हैं धनबाद के ही हो जाते हैं गाइस, या दूर दूर के भी होते हैं गाइस, तो मतलब वो जाके वहाँ पे मांग नहीं करते हैं गाइस कि हमें हॉस्टल चाहिए। और जब तक मतलब आप जब हॉस्टल कॉलेज में जाकर जब तक बोलिएगा नहीं गाइस, तब तक आप लोग को मिलने वाला नहीं है। तो गाइस, जाहिर सी बात है कि आप गर्ल्स लोग को हॉस्टल नहीं मिलता है गाइस, लेकिन इस बार हम लोग ट्राई करेंगे कि आप लोग को भी हॉस्टल मिले, क्योंकि गाइस जब तक आप लोग जाकर वहाँ पे बोलिएगा नहीं ऑफिशियली, तब तक आप लोग को मिलने वाला नहीं है गाइस। लेकिन आज तक गाइस गर्ल्स लोग को हॉस्टल नहीं मिला है, गर्ल्स हॉस्टल है गाइस, पूरा अच्छा हॉस्टल है, ठीक है। आप लोग बोलिएगा तो मैं वहाँ के हॉस्टल का जाकर के वीडियो दिखा भी दूंगा, अभी मतलब बहुत दिनों से वो बंद पड़ा है गाइस, ठीक है।
तो गाइज ये तो क्लियर हो गया कि गर्ल्स हॉस्टल है पर नहीं मिलता है, आज तक किसी को नहीं मिला है, लेकिन इस बार शायद आप लोग अगर रिक्वेस्ट करें तो आप लोग शायद मिल जाए। तो गाइज काफ़ी सब टॉपिक्स थे गाइज जो कि मुझे लग रहा था कि आप लोग के सामने डिस्कस करूँ। और गाइज इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए ताकि मुझे मालूम चले आप लोग का क्या क्या में दिक्कत है। और गाइज जीपी धनबाद के बारे में जो भी डाउट्स हो गाइज जो भी दिक्कत हो आप जरूर कमेंट कीजिए और बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़े। और सिर्फ जीपी धनबाद ही नहीं अब अदर पॉलिटेक्निक कॉलेज के भी हैं तो भी गाइज मैं आपको हर एक नोट्स भी दूंगा गाइज, चूंकि गाइज मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड सेमेस्टर का जो भी नोट्स हैं इस सब आप आइएगा तो आपको नोट्स कौन सा बुक लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए इस सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे गाइज वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जो भी टॉपिक है गाइज वो सब आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि सर आप भैया आप इस टॉपिक में मुझे वीडियो बना दीजिए गाइज। ठीक है तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा गाइज। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।